निशांक अकेला मौके पर मौजूद था, उसके साथ अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई। इसमें हत्या जैसे कोई सबूत नहीं पाए गए। यहां तक कि मोबाइल में जो भी मैसेज का आदान प्रदान हुआ था वो भी स्वयं के द्वारा कारित किया जाना स्पष्ट हुआ है। मोबाइल में अन्य किसी बाहरी व्यक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट होना भी नहीं पाया गया है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पर कई सारी मल्टीपल इंजरीज होना पाई गई है और डॉक्टर के पैनल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेन कटिंग से ही उसकी मौत हुई है। हमने और भी कई बिंदुओं पर इसका परीक्षण किया तो यही पाया गया है कि इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है और ना ही इसमें किसी षड्यंत्र के साथ से होना पाए गए हैं। इस संबंध में भी हमने जब इंक्वायरी की तो कई सारे ऐसे तथ्य प्रकाश में आए हैं कि निशांक ने कई सारे मोबाइल ऐप से लोन भी ले रखा था, इसके अलावा बहुत से दोस्तों से भी उधार लिया था और इसी लेन देन के चक्कर में वो काफ़ी समय से तनाव में था। यहाँ तक कि बहुत दिन से वो कॉलेज भी नहीं जा रहा था और ना ही उसने कॉलेज की फीस जमा की थी और इसी तनाव के कारण से संभवतः ये स्वयं के द्वारा घटना कारित किया जाना प्रतीत होता है। तो ये पोस्ट डालने का क्या मतलब, क्या निष्कर्ष निकला? जैसा कि परीक्षण में आया है कि उसने कई बार इस तरह की पोस्ट को घटना दिनांक को मोबाइल में सर्च किया था तो हो सकता है कि मामले को डाइल्यूट करने के मकसद से उसके द्वारा इस तरह की घटना डालने के बाद स्वयं प्रयास किया हो। एसआईटी अब कहां तक पहुंचेगी? अभी हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस मामले में अपना निष्कर्ष निकाल के आपको अवगत कराएं।